हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट का। उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। तब हम समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री, मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर रिलेटेड टू इट। यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं केमिस्ट्री में, और काफ़ी सारे जो केमिकल चेंजेस हमने पढ़े हैं वो इससे रिलेटेड है। और जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो रिएक्ट करते हैं किस किस से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। यानी कि हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, है ना। हर एक रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑफनली मतलब बहुत आसानी से दिख जाती है। सो द रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिन रिएक्शंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उन रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो भी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, अगर ऑक्सीजन है तो भी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, अगर दोनों है तब भी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। अब रिडॉक्स रिएक्शन ये वर्ड कैसे बना, इसमें REDD जो रेड ये जो है ये रिडक्शन का पार्ट है और OX ऑक्सीडेशन है। ठीक है, REDD तो रिडक्शन है और OX ऑक्सीडेशन है। जब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रोसेस हम पढ़ेंगे अभी क्या होते हैं, जब ये दोनों प्रोसेस ये दोनों टाइप की रिएक्शन साथ में होती है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स। यानी कि ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है, रिडॉक्स रिएक्शन किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि या तो उसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसको ध्यान से पढ़ना, ऑक्सीजन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी एलिमेंट में या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, मान लो रिएक्शन रिएक्टेंट की साइड पे किसी एक दो रिएक्टेंट है, ये R1 मान लो और एक R2 है, ये दो रिएक्टेंट प्लस हो रहे हैं मतलब कि रिएक्ट कर रहे हैं दो रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो रिएक्टेंट वन के पास मान लो ऑक्सीजन थी, रिएक्टेंट वन के पास ऑक्सीजन थी, रिएक्टेंट टू के पास ऑक्सीजन नहीं थी। लेट अस सपोज रिएक्टेंट वन हैज ऑक्सीजन और इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो क्या हुआ जब रिएक्शन हुई तो R1 तो क्या बना, P1 बना और R2 क्या बना, P2। तो क्या हुआ रिएक्शन के होने के बाद तो ऑक्सीजन P2 के पास चली गई। यानी कि पहले तो R1 के पास थी ऑक्सीजन और उसके बाद चली गई P2 के पास, और P2 किसका पार्ट है, R2 का। ठीक है, तो क्या हुआ कि R1 ने P2 को डोनेट कर दिया है, R1 ने P2 को, यानी कि R1 ने R2 को दे दिया, तो वो किसको हुआ, P2 को। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अपोजिट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इसमें तो क्या हुआ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। इस केसेस में इस केस में अब अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट के साइड पे ऑक्सीजन थी, फिर प्रोडक्ट के साइड पे जब रिमूव हो गई तो उसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और जब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बनती है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर टुगेदर, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि वो सब्सटेंस जो किसी और को अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि किसी एक सब्सटेंस ने दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन डोनेट कर दी ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, वो सब्सटेंस दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो जिसने डोनेट किया है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसने लिया है, जिसने किसी और से ऑक्सीजन गेन की है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है,
द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह से हो सकता है, या तो वो सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन हटाए और ऑक्सीजन ऐड करे तब तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, जिसने हाइड्रोजन डोनेट किया या फिर ऑक्सीजन रिमूव किया तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं. अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास चार तरह की हैं. एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किस चीज पे बेस्ड है ये, या तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का या फिर रिमूवल होगा. सेकंड में या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या फिर एडिशन होगा. थर्ड है एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और फोर्थ है रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट वाला है ये देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. यानी कि किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन. अब देखो इधर एग्जाम्पल 2Mg. Mg क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है. ये एक मेटल होता है, मैग्नीशियम प्लस O2. O2 क्या है, ऑक्सीजन. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो क्या बन गया, MgO. यानी कि ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो गया, मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है. ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड. ऐसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. अब हम इसमें किसकी बात कर रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अभी हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पढ़ लिया, जिसमें एडिशन ऐड मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, सल्फर में भी ऑक्सीजन ऐड हो गई है. अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन. इधर देखो KClO3 है, जब इसमें रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, 2KCl+3O2. इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई. अब भी देखो सेकंड एग्जांपल देखो, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्शन हुई उसमें हमने उसको डिसोसिएट करा, जब हमने उसको अलग अलग किया तो क्या हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बट गए, डिवाइड हो गए. तो ये क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अलग हो गई मैग्नीशियम से. तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको कहेंगे हम, इस वाले प्रोसेस को कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें दोनों ऐड हुई है. अब हमारा सेकंड वाला है रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. देखो इसमें पहला एग्जांपल देखो, 2H2S+O2 गिव्स 2H2O+2S, ठीक है. हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाया, H2O और 2S. इसमें क्या हुआ, देखो इधर हाइड्रोजन के पास में सल्फर था और ऑक्सीजन अलग था, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, S हट गया, 2S हट गया और ऑक्सीजन ऐड हो गया इसमें, और 2S अलग कर दिया इसने, डिसोसिएट कर दिया. तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. कैसे, S से हाइड्रोजन अलग हो गई, ठीक है, और O जुड़ गया, तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. सेकंड वाला देखो, CH3CH2OH, यानी इथेनॉल होता है, इसको इथेनॉल बोलते हैं. इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH. जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में होते हैं ना, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं. इसके बाद इसने क्या फॉर्म किया, इथेनॉल, और इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CHO. अब हम इस इक्वेशन में H पे ध्यान देंगे, ठीक है. इधर देखो इथेनॉल में कितने H थे, रिएक्टेंट साइड में इथेनॉल में कितने H थे, 3 ये है, 2 ये है, 5 हो गए और एक 1, तो 6 हो गए. रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 6 H थे हमारे पास, और प्रोडक्ट साइड में कितने रह गए, इथेनॉल में सिर्फ 4 रह गए. यानी कि इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है. इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इस वाली में भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है. अब हम देखते हैं थर्ड वाली, इसमें देखो इसमें H2 है, इधर कितने हो गए,
इथीन में कितने हैं, 4 है, 2 और 2 कितना होता है 4, और इधर देखो इथेन में कितने हैं, 3 और 3 6, यानी कि इधर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या मैं आर और ए लिख रही हूँ, जिसमें रिमूवल हुआ है वो आर वाले हैं, जिसमें एडिशन हुआ है वो ए है। एच टू और सी एल टू, तो एच टू सी एल टू क्या बन गया, एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, कंबाइन हो गया, सीएल को एच मिल गया, इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब किसी कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते कौन है, वो एलिमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे देते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे कि पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के, पोटेशियम को एक मॉलिक्यूलर एटॉमिक फॉर्मूला होता है के। अब के क्या है, इसने के ने इस वाली रिएक्शन में देखो के और आई, ठीक है, आई क्या है, आयोडीन, के और ये सीएल, सीएल के पास क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, के पास प्लस होता है, प्लस क्यों होता है के पास, क्योंकि मेटल्स क्या करते हैं, के मेटल है और सीएल क्या है हमारे पास, नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या करते हैं, हमेशा गेन करते हैं, हमेशा गेन करते हैं, मतलब किसी और से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो उनके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाता है, और मेटल क्या करते हैं, हमेशा किसी को डोनेट करते हैं, क्या डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके ऊपर किसका चार्ज आ जाता है, प्लस। तो वो एलिमेंट्स जो किसी और को डोनेट करते हैं और प्लस का चार्ज ऑब्टेन करते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की है। ठीक है, यानी कि एडिशन हो रहा है या फिर रिमूवल हो रहा है। अब इसमें देखो के किसके साथ था, आई के साथ था, इस इधर जाके किसके साथ हो गया, सीएल के साथ हो गया, यानी कि क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में देखो, इसमें रिमूवल हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, फर्स्ट वाली में है ना। सेकेंड वाले देखो, इसमें क्लोरीन और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया है इन्होंने, तो सीएल के पास कितना था चार्ज, माइनस टू होगा, क्योंकि दो सीएल है, इसके ऊपर का चार्ज था माइनस टू। एमजी के पास कितना था, प्लस टू, एमजी प्लस टू चार्ज बनाता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये, और इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन को एक और दूसरे क्लोरीन को भी एक, तो वन और वन कितना होता है टू, और माइनस का चार्ज इसलिए है क्योंकि ये गेन करेगा, क्लोरीन हमेशा गेन करता है यानी लेता है, क्योंकि क्लोरीन एक नॉन मेटल है और मैग्नीशियम क्या है, एमजी एक मेटल है, तो इसके ऊपर प्लस टू का चार्ज आएगा, तो यहाँ पे इस तरह से ये कंबाइन हो जाएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसमें क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसमें कौन था, एमजी, जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ गया, सीएल के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पढ़े, ठीक है, अब ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इधर देखो मैग्नीशियम क्या है, हमारे पास मेटल है, मेटल कौन सा चार्ज बनाते हैं, प्लस का, क्यों, क्योंकि ये हमेशा डोनेट करते हैं, जो डोनेट करेगा वो प्लस का चार्ज बनाएगा और जो किसी से लेगा यानी कि गेन करेगा वो माइनस का चार्ज बनाएगा। एमजी क्या बनाता है, प्लस टू चार्ज बनाता है, क्योंकि इसके पास टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये डोनेट कर सकता है। सीएल यहाँ पे दो है, एक सीएल एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो सीएल है इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, MgCl2। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन था, Cl2, इसका क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें एडिशन हो गया। ठीक है, यानी कि Mg के साथ जुड़ गया ये, तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इस वाली में देखो FeCl3 plus H2 gives FeCl2 plus HCl, इसमें क्या हुआ, देखो इसमें भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हुआ, रिमूव हो गया, यहाँ पे Cl2 थे, यहाँ पे Cl3 थे, यहाँ पे कितने हो गए, टू, यहाँ पे टू हो गए Fe के साथ जो थे, तो इसमें क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें रिमूवल हुआ है सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, Cl कम हो गया यहाँ पे 3 से 2। ठीक है, अब आते हैं हमारे लास्ट वाले टॉपिक पे, रिडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है ये,
रिडॉक्स रिएक्शंस ऑन द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके दो पार्ट हैं, एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल या फिर आयन अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। आप देखो इधर एग्जांपल, ये Na क्या होता है, सोडियम। सोडियम दो पार्ट में डिवाइड है, कैसे, एक तो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सोडियम ने किसी और को डोनेट कर दिया, डोनेट करने के बाद उसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस का चार्ज आ गया, और उसने क्या डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसको हम Na को हम, सोडियम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, E की पावर माइनस है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भी, और इसका मतलब भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, फेरस यानी आयरन के ऊपर प्लस टू का चार्ज लगा हुआ है। आप चार्ज इस तरह से लगा सकते हैं, प्लस टू या फिर टू प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ये देखो थ्री प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरह से, अब टू सी एल माइनस सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, कैसे, इस पे सॉरी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, क्योंकि आयरन क्या होता है, मेटल होता है, तो इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, ठीक है। दो प्लस टू चार्ज लगा हुआ था, प्लस टू से प्लस थ्री हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, टू प्लस वन थ्री होता है, यानी कि आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है। अब क्लोरीन की बारी, तो क्लोरीन ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। सेकंड है हमारा रिडक्शन, द प्रोसेस इन विच एन एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और आयन गेन्स इट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि जिस प्रोसेस में एटम, एलिमेंट या मॉलिक्यूल या फिर आयन गेन करता है या लेता है, क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स किसी भी और एलिमेंट से, तो उसे क्या कहते हैं हम, रिडक्शन। अब देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बन गया, सी एल माइनस, उसमें माइनस का चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि उसने किसी से गेन किया है यानी कि लिया है, तो जब हम किसी से लेते हैं तो माइनस का चार्ज आएगा, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई एक सब्सटेंस, उसमें प्लस का चार्ज आता है। अब इधर देखो MnO4 माइनस, अब O क्या है हमारा, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऊपर का चार्ज होता है माइनस का, क्योंकि क्या करेगा, ये गेन करेगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फिर क्या हो गया, ये प्लस माइनस टू, क्योंकि देखो माइनस वन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितना बन जाएगा, ये माइनस टू, ठीक है। आप देखो Mg प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg, कैसे, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन थे और ये दो पॉजिटिव थे, दो नेगेटिव थे, तो ये कैंसिल, एक तरह से कैंसिल हो जाता है, प्लस टू और माइनस टू कितना होगा, जीरो, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, जीरो, मैग्नीशियम पर जीरो चार्ज है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मतलब ये जीरो है ना। आप देखो ये देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एक बार फिर से हम रिकैप ले लेते हैं एक बार, Fe2O3 प्लस 3CO gives 2Fe प्लस 3CO2। इधर देखो क्या हुआ है, Fe के पास ऑक्सीजन था, जब ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। इधर देखो इसके पास ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन था, इधर जाके रिएक्टेंट साइड पे कितना हो गया, दो हो गए ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। Cu यानी कॉपर, कॉपर के पास में ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट साइड में जाके ऑक्सीजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। इधर जाके हाइड्रोजन के पास में ऑक्सीजन मिल गया प्रोडक्ट साइड में, तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। इस वाले एग्जाम्पल में देखो Fe3O4 प्लस 4H2 गिव्स 3Fe प्लस 4H2O। Fe के पास में
फोर ऑक्सीजन थे, इधर जाके एक भी नहीं है, तो क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। इधर एच टू के पास में नहीं था कोई ऑक्सीजन, तो इधर ये ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन द रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को याद रखना, जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर, तो वो कैसी रिएक्शन कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन कैसे वर्ड आया? क्योंकि ये जो अब रिएक्टेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इधर एसिडिक नेचर है, इधर बेसिक नेचर है, इधर आके ये सॉल्ट और वाटर मिक्स होके कैसा हो जाएगा? ये न्यूट्रल। हमने पीएच स्केल पढ़ा है, पीएच स्केल में 7 कैसा होता है? न्यूट्रल। तो यानी कि इसका पीएच कैसा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से कम पीएच एसिडिक होते हैं, उस 7 से ज्यादा वाले बेसिक होते हैं। 7 से ज्यादा जिसका पीएच होता है, ये पीएच एक स्केल होता है। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस को पता लगाने का। तो इसका एग्जांपल देखो, HCl क्या है? एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस है ये, गिव्स NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? सॉल्ट। हम जो कॉमन सॉल्ट हम किचन में यूज करते हैं, हम फूड में यूज करते हैं अपने, वो क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। और H2O क्या है? वाटर। यानी कि एसिड और बेस ने जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। These kinds of reaction are exothermic in nature, which means that heat is evolved. अब हमने दो तरह की reactions पढ़ी थी, exothermic और endothermic. Exothermic में क्या होता है? Heat evolve होती है, यानी कि heat निकलती है reaction में से, और endothermic में क्या होता है? Heat absorb हो जाती है, यानी कि cool reaction होती है एक तरह से, test tube आपको cool मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है इसमें। ठीक है, अब पढ़ेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमें हमने पहले भी पढ़ा है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कैटलिस्ट के बारे में। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता किसी रिएक्शन में, पर उसकी प्रेजेंस मस्ट होती है। यानी कि अगर कोई कैटलिस्ट नहीं होगा, अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है और उस रिएक्शन को कैटलिस्ट की जरूरत है, तो वो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, वो रिएक्टेंट ऐसे कैसे रह जाएंगे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, सम रिएक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस इज इनकम्प्लीट विदाउट सनलाइट्स प्रेजेंस, विच मीन्स दैट सनलाइट इज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। यानी कि अब फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फूड बनाते हैं अपना, ट्रीज अपना, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो लाइट को सिंथेसाइज करते हैं। कौन सी लाइट? सनलाइट को। तो सन जैसे क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल किस लिए होता है? ताकि वो सनलाइट ट्रैप करे। ठीक है, सनलाइट ट्रैप करेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा? जो प्लांट्स होंगे वो अपना फूड बना पाएंगे। तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए सनलाइट क्या है? कैटलिस्ट। अब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होता, यानी कि ऐसे बोलते हैं जनरली कि पेड़ सोते हैं, जनरली ऐसे बोला जाता है। तो इसका रीजन ये है कि उस टाइम पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें हार्मफुल गैस हमें इनटेक करनी नहीं चाहिए, CO2 हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रात को सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होती, इसलिए वो ऑक्सीजन नहीं बनाते और अपना फूड भी नहीं बनाते। इसलिए सनलाइट क्या है? कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो चीज है जो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता, पर उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल 2KCLO3, जब MnO2 और हीट करा इसको, MnO2 क्या है यहाँ पे? MnO2 और हीट करेंगे तो क्या है? ये क्या है? इसका कैटलिस्ट है। ठीक है, अगर ये कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये फिर ये रिएक्शन इतनी ही रह जाएगी, इसके आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट एग्जांपल है वेजिटेबल ऑयल प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। Ni क्या होता है? निकल। निकल की प्रेजेंस में इन्होंने वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी ऑब्टेन किया। ठीक है,
अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। दो टाइप के कैटलिस्ट हैं, दो चीजों पे बेस्ड है, एक तो है फिजिकल स्टेट, एक कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है और एक उनके एक्शन पे बेस्ड है यानी कि वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, और एक उनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड गैसेस या फिर एक्वस स्टेट। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट। तो इसके दो पार्ट है इसके भी, एक होमोजीनियस है एक हेट्रोजीनियस है। ठीक है, होमोजीनियस कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम स्टेट और द फेज देन द कैटलिस्ट इज नोन एज होमोजीनियस कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही सेम स्टेट में है, यानी कि रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है, रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो भी गैसियस स्टेट में है, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक होमो, ये कैसा कैटलिस्ट होगा, जहां यहाँ पे जो कैटलिस्ट प्रेजेंट है वो कैसा कैटलिस्ट होगा, होमोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, अब पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में क्या है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इफ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट इज डिफरेंट, यानी कि अगर कैटलिस्ट की, यानी कि जो इस एरो पे हम जो इसके ऊपर लिखते हैं, इस कैटलिस्ट की और रिएक्टेंट की अगर स्टेट डिफरेंट है, मान लो इसकी गैसियस स्टेट है और इसकी सॉलिड स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल इसकी सॉलिड स्टेट है, तो ये रिएक्शन कैसे कहलाएगी, हेट्रोजीनियस, यहाँ पे गलत लिखा है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ये कैसा कैटलिस्ट कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट बेस्ड ऑन देयर एक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप में कैटलिस्ट जो कि अपने एक्शन पे, उनके एक्शन पे बेस्ड है। सबसे पहला है पॉजिटिव कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी कि वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है यानी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है वो होता है पॉजिटिव रिएक्ट कैटलिस्ट। जैसे कि यहाँ पे MnO2 और हीट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। वहीं आता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो पॉजिटिव का अपोजिट है, वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देता है यानी कम कर देता है वो होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। यहाँ पे ग्लिसरॉल जो है वो नेगेटिव कैटलिस्ट है, यानी कि वो वाटर से H2 और O2 इसको कन्वर्ट करने में इसको बहुत ऑब्जेक्शन डालता है, यानी कि नेगेटिव है, इसको स्लो कर देता है इस रिएक्शन को। थर्ड है हमारा ऑटो कैटलिस्ट। व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट देन इट इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट, यानी कि अब किसी रिएक्शन में कोई रिएक्शन हुई और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो खुद ही कैटलिस्ट है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ अगर वो खुद ही कैटलिस्ट है तो इस टाइप के कैटलिस्ट को क्या कहते हैं हम, ऑटो कैटलिस्ट। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। थर्ड है हमारा, थर्ड और लास्ट, बायो कैटलिस्ट। द कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी आर नोन एज बायो कैटलिस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंजाइम्स, यानी कि वो कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। इसका एग्जाम्पल देखो, हमारे स्टमक में जो एंजाइम्स होते हैं इसको हम एंजाइम्स भी कहते हैं, हमारे स्टमक में जो एंजाइम होते हैं उनका क्या काम होता है, वो डाइजेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो डाइजेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बायो और केमिकल, ये दो वर्ड से बना है, बायो और केमिकल से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन ये सारे क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को हम इसीलिए एंजाइम्स भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए माल्टेस यूज होता है, और माल्टेस क्या है, एक एंजाइम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि जो कैटलिस्ट की पावर इंक्रीज कर देते हैं, एक होता है कैटलिस्टिक प्रमोटर, एक होता है इनहिबिटर। तो प्रमोटर क्या करता है, जो कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज कर देता है, इनहिबिटर जो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, जो उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देता है। इसके एग्जांपल है N2+3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट क्या क्या है, Fe और MO। Fe क्या है, आयरन,
एम ओ क्या है, मोलिब्डेनम, ठीक है। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी को तेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दीज सब्सटेंसेस डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि एफ पी क्या है, डिक्रीज करेगा जो भी कैटलिस्ट आएगा उसकी एफिशिएंसी को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।